नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। नजर आते हैं जिले से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। साथ ही अगली खबर भी शाहजहांपुर से है, जहां थाना क्षेत्र बना में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 16 लोगों ने रक्तदान करते हुए खुशी जाहिर की। उनके इस कदम से न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है। सरदार पटेल महिला विद्यालय के प्रबंधक सरदार अमरीक सिंह ने बताया कि उनके कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर रक्तदान करते हैं। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता रवि यादव के साथ। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार एक ओर जहां सभी नागरिकों को सी और एनआरसी को लेकर जागरूक कर रही है, तो वही दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सपा सरकार लगातार केंद्र के और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री के पुतले दहन कर रहे हैं। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खां के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खिरनीबाग चौराहे पर अमित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खां ने अमित शाह को बताया तानाशाह। कहा, जिस तरीके से अमित शाह अखिलेश जी को जेल में डाल देने की बात करते हैं और समाजवादी पार्टी को कमजोर समझते हैं, वह ना भूलें कि समाजवादी पार्टी आरएसएस और भाजपा से डरती नहीं है। हमारे अखिलेश यादव तो बहुत दूर हैं, पहले हम समाजवादी सिपाहियों से तो निपट कर दिखाओ, सारी तानाशाही दूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जिस तरीके से किसानों और बेरोजगारों को परेशान कर रही है, वह समाजवादी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता रवि यादव के साथ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रोगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, उनकी टक्कर में संघर्ष हमारा ना है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। अखिलेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। पार्टी जिंदाबाद, शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी तो ये लड़ाई है, ये आगे और लड़ाई है। विधान विरोधी ये सरकार नहीं। क्या विरोध, क्या मांग थी, किस तरीके का विरोध किया आपने? सबसे बड़ा विरोध इस बात का है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से गुंडागर्दी और तानाशाही पर आमादा है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतंत्र में अपनी आवाज को जनता के साथ जो अन्याय ये देश की भाजपा की सरकार, प्रदेश की भाजपा सरकार जो अन्याय कर रही है, नाइंसाफी कर रही है, उसको लेकर जिस तरह से हमारी समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, तो उस पर अखिलेश यादव जी के लिए हमारे समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता, नौजवानों के, नौजवानों के, किसानों के, अखिलेश के, सभी को साथ लेकर चलने वाले हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के लिए कहा। अभी लखनऊ की रैली में कहा कि मैं उनको जेल में डलवा दूंगा, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। समाजवादी लोग सीट सीट बजा देंगे सड़कों पर निकलकर। माननीय अखिलेश यादव जी तो बहुत बड़ी चीज है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाज, हम सिपाहियों से, समाजवादी सिपाहियों से टकरा के पहले दिखाएं, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, हम लोग इनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ कोई नज़र तो उठा के देखे, अगर उनकी तरफ बेवजह उनको परेशान करने की कोशिश की और नज़र उठाने की कोशिश की उनकी तरफ, तो हम सारे समाजवादी लोग सड़कों पर निकलकर आर पार की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। और ये काला कानून जो देश में लागू किया है, इस काले कानून से CAA और NRC जिससे पूरे देश को तोड़ने की कगार पर
हालात पैदा कर दिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने। पूरी तरह से देश को एक टुकड़ों की तरफ ले जाने का काम, देश को बर्बाद करने का काम, नफरत का जहर घोलने का काम जो कर रहे हैं। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के नारे के साथ समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सभी को साथ लेकर चलते हैं। उनका सपना है कि समाजवादी विचारधारा से हम सबको एक सूत्र में बांधकर हम देश को, प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। और आज विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है, केवल झूठे वादे और सिर्फ सत्तापरस्त ताकतों को बढ़ावा देने का काम ये सरकारें कर रही हैं। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।